बॉलीवुड के हीमन कहे जाने वाले धर्मेंद्र पंजाबी जट नहीं बल्कि मुस्लिम हैं। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में नहीं हुआ बल्कि उन्होंने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया था। बताएंगे आपको धर्मेंद्र के इस्लाम कबूल करने की पीछे की पूरी कहानी। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यार एक ऐसी बला का नाम है जिसे हासिल करने के लिए लोग हद से गुजर जाते हैं। प्यार को हासिल करने के लिए आम लोगों की तरह ही फिल्मी सितारे भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। वैसे तो फिल्मी जगत में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिन्होंने फिल्मों में तो कमाल किया ही है, प्यार होने के बाद जीवन साथी भी बन गए हैं। इन्हीं फिल्मी सितारों की जोड़ियों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी फेमस है। दोनों सितारों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बहुत सफल रही, पर जब बात हकीकत में एक होने की आई तो इसके लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होने में बहुत सी दिक्कतें आई थी। पहली दिक्कत हेमा मालिनी के पिता को थी जो कि इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। इवन उन्होंने हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से तय कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के कारण कानूनी तौर पर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने ही इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान किया तो वहीं हेमा मालिनी आयशा बी बन गई। इस तरह दोनों को प्यार की मंजिल मिली और दोनों एक साथ हो गए। तो इस वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों को इस्लाम अपनाना पड़ा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।